बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है बानो जी व्लॉग्स और मैं हूँ मरियम फारूक। आई होप कि आप सब लोग अपने घरों में खुशबाश होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। ये आपको इंट्रोडक्शन तो माशाल्लाह मरियम ने करवा दिया, अब ये इंट्रोडक्शन करवा सकती है। तो अल्लाह पाक से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुशबाश होंगे अपने घरों में, और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको लंबी उम्र तंदरुस्ती वाली अता फरमाए, आमीन। अल्लाह के फजल और आपकी दुआओं के साथ हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अल्लाह का खास करम है। और आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो फिर मरियम की फरमाइश पर। जी आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं लस्सी पीऊं, तो जी मम्मा बनाएंगी लस्सी और मीठी लस्सी, और आपके साथ हम वीडियो पूरी शेयर करेंगे। शुरू से लेकर अंत तक देखें वीडियो को, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी जाके सब्सक्राइब कर लें। तो जी ये देखें मम्मा है और अभी ये लस्सी बनाएंगी। जी तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। ये देखें दही है और इसमें से थोड़ा सा निकाल लेते हैं, ठीक है? थोड़ा सा निकाल लें इसमें, आपने पीनी है। और चलो ये ठीक है। ये देखें जी दही है, और अब मम्मा इसको क्या करेंगी, ये इसके साथ मदानी के साथ ना, मेरे पास वो नहीं है, जग नहीं है, ग्राइंडर नहीं है मेरे पास, ठीक है, ब्लेंडर ग्राइंडर जो भी बोलते हैं वो नहीं है। तो इसमें डालेंगे हम चीनी, चीनी ऐड कर देंगे हम इसमें। ये बनने वाली है मीठी, मुझे मीठी लस्सी बहुत पसंद है और अक्सर मैं नाश्ते में पीती हूँ, बहुत मज़ा आता है। लेकिन अभी ना मौसम थोड़ी चेंज हुई थी तो मैंने कहा कि नहीं भी अभी नहीं पीनी है, तो आज फिर ये कह रही है मम्मा ये नाश्ते का टाइम गुजर गया है, नाश्ता कर लिया था, अभी तकरीबन 10:30 हो रहे हैं। तो ये देखें ये थोड़ा सा नमक जो है, इतना सा, बस थोड़ा सा, अगर आपके पास दानेदार नमक है ना तो वो आपने इससे भी कम डालना है, ठीक है? चले अब इसको कर लेंगे मिक्स के साथ, और इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। जी पानी डाल देंगे इसमें, बस इतना सा पानी, गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है ना। अब हो जाएगी ये मिक्स और फिर लस्सी हो जाएगी तैयार, और फिर हम इसमें डाल देंगे बर्फ। चीनी की जो आवाज़ है कितनी प्यारी लगती है, टक 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 है ना। वैसे तो दही के साथ नमकीन लस्सी भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो मम्मा की फेवरेट है, वो मेरी फेवरेट नहीं है, मेरी फेवरेट मीठी लस्सी है। तो जी ये देखिए मम्मा और ये लस्सी बन रही है। मम्मा और ये लस्सी बन रही है कह रही है, मम्मा और ये लस्सी बन रही है, ये क्या बोला वर्ड हुआ, ये है कि ये देखे मम्मा और मम्मा ये लस्सी बना रही है, कह रही है ये है ये मम्मा और लस्सी बन रही है। आप ही हमें कमेंट सेक्शन में बताएं किस किस को मीठी लस्सी पसंद है। मेरी तरह मुझे तो बहुत पसंद है मीठी लस्सी। मरियम वो हल हो गई है, और ये देखे ये बर्फ मरियम ने पीस के रख ली थी, यानी ये इसको टुकड़ों में करके रख लिया था डंडे के साथ। दिखाए ना जग भी, आप जग में डाल रही हैं, ये देखिए। हाँ जग में डाल रही हूँ मैं, कौन सा खुद खा रही हूँ, ये देखे। गर्मियों में बर्फ खाने का बहुत मजा आता है, लेकिन मम्मा खाने नहीं देती। लो जी इधर नमी काम बने जी, ये देखिए मैं भी करूँ इसको। लो जी तुम खा लो, चले आप वीडियो बनाए, चले देखिए मैं करती हूँ इसको। ये देखिए जी मरियम काम कर रही है आज, मरियम मेहनत कर रही है आज। ये मैं अपने लिए बना रही हूँ मम्मा, मैंने आपको नहीं देनी, आप पिएगी? नो मैं छोड़ कर दी मम्मा, तो फिर मैं आपको भी दे दूंगी। ये सिर्फ मेरे लिए बन रही है व्यूअर्स, और इसमें से मैं मम्मा को भी थोड़ी सी दे दूंगी। मरियम अभी छोटी है, ये मैं इसको दुपट्टा वैसे उड़ाती नहीं हूँ, लेकिन माशाल्लाह कर रही है मुझसे भी मम्मा निकल बाहर, तो छोटा दुपट्टा ये सर पे इस तरह लेके जाती है, ठीक है? तो ऐसे ठीक है, अभी छोटी है तो मैं कहती हूँ घर पे ना लिया करो, किचन में वैसे भी गर्मी होती है। अच्छा जी लग गया पता, अभी तो लस्सी बन रही है तो गर्मी लग रही है, तो अगर कुकिंग करनी पड़े मरियम जी मैं तो कभी भी ना करूँ, मुझे चाय बनानी बहुत नफरत है, चाय बनाने से मुझे बहुत, जब मम्मा बोल दिया कि चाय का कप बना, हाँ तब मुझे बहुत ही ज्यादा ना बुरा लगता है, मैं कहती हूँ कभी भी मैं चाय ना बनाऊंगा। चलो जी अंदा आपको मैंने कहना नहीं है चाय, नहीं आपके लिए बना देती हूँ। चलो जी अब लस्सी बन गई है, मैं पकती हूँ, मेरा काम है ना इसलिए मैंने इसको करना है। तो जी ये देखें अब लस्सी जो है ये रेडी हो गई है, चेक हो रही है, और मम्मा इसको करेंगे चेक। बिस्मिल्लाह, मम्मा आप अपना थोड़ा सा फेस ऊपर करें ना, मजेदार
मजेदार है, शानदार। मेरे मुंह में बहुत पानी आ रहा है व्यूअर्स, आपके मुंह में पानी आ रहा है तो कमेंट करके बताएं। मजीद बर्फ, अभी ठंडी नहीं हुई। हाँ अच्छा जी, आज ना मेरा इसलिए आज बहुत ज्यादा दिल कर रहा था क्योंकि आज बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ तो क्या है, थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है लेकिन इसका भी क्या फायदा। पहले लेकिन ये कल्ला पाके हर चीज पे खुश रहना चाहिए, ये मौसम जो भी है जैसा भी है उसको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो गर्मी नहीं होगी तो आम किधर से खाएंगे हम। हाँ तो अगर सर्दी में सर्दी नहीं होगी तो वो माटे और मौसमियाँ और ग्रेप्स कहाँ से खाएंगे हम, ड्राई फ्रूट्स कहाँ से खाएंगे अगर सर्दियाँ ना होंगी तो। जी बहुत लतीफा नहीं है वो, एक आदमी कहता यार होना चाहिए सिगा के सर्दियों के अंब होंगे, अंब गर्म होंगे तो बंदा धुप च बह के खावे, ठीक है। तो नाले ना जो माल्टे ने वो ठंडे होंगे आ, वह गर्मियों च होने चाहिए, बंदा है ना आराम ना है ना सुकून ना पखे थले बह के खावे। लो दसो ठीक है ना, तो ये अल्लाह पाक की देन है हर चीज, गर्मियों में आम और सर्दियों में माल्टे। तो सर्दियों में ना मैं माल्टे बहुत कम खाती हूँ क्योंकि मेरा गला खराब हो जाता है। अब लस्सी मम्मा जी बन गई है, यस चले अब पीते हैं और आपको दिखाते हैं कैसी बनी है लस्सी। चले जी ये देखिए ये है मीठी लस्सी और मैं ट्राई करती हूँ आपको बताती हूँ कैसी बनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मरियम, तुमने मुझे बोला ही नहीं कि मम्मा जी आप भी चेक कर लें। बहुत सारी आप इसमें चेक करें, इसमें जी मम्मा भी चेक कर रही है कैसी बनी मम्मा। मुझे तो कितनी देर बोला नहीं जाता। हाँ, बहुत टेस्टी, बहुत गंदी चीजें खाते थे, बहुत मीठी चीजें, लेकिन अब थोड़ा ना ये देखो दांतों का ये हाल हो गया, ये हाल हो गया, तो इसलिए ना अब जरा चस्के कम। बस रोजमर्रा जिंदगी है, इसको तो गुजारना ही। तो जी बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनी है और आपने कमेंट में जरूर बताना किस किस को मीठी लस्सी मेरी तरफ पसंद है और किस किस को नमकीन लस्सी पसंद है। मम्मा को ज्यादा नमकीन लस्सी पसंद है। तो जी कर दे हम बाय, अल्लाह हाफिज़ कर दे। तो जी व्यूअर्स कैसी लगी आपको? मैंने तो जाके सो जाना। नहीं थोड़े से पीने से क्या मतलब, अब मैं सारे जग पीऊंगी और फिर मुझे बहुत ज्यादा नींद आएगी। चलो भैया। तो जी व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, हमें लाइक कर। तो जी व्यूअर्स कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें अच्छे अच्छे, और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज। अब ये मुंह से नहीं उतरेगा। अल्लाह हाफिज व्यूअर्स, कर दो बात।